हे गाइस, कैसे आप सभी लोग? चलिए गाइस, ये नॉर्मल ब्लॉग नहीं है गाइस। अब गाइस, इस वीडियो में मैं अपने पुराने ब्लॉग्स का रिएक्शन देखूंगा। जो मेरा फर्स्ट चैनल था ना गाइस, उसमें मैंने ब्लॉग्स बनाए थे ना, जो जैन चैनल गया था। चलिए अब उसमें देखते हैं गाइस, मैं कैसा ब्लॉग करता था, मतलब मेरा रिएक्शन कैसा रहता था। ओके चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो होपफुली आप सब अच्छे होंगे। हम भी यहाँ पर मस्त है, जबरदस्त है। तो चलिए सीधी बात, नो बकवास, अपना व्लॉग शुरू करते हैं। गाइस, अभी हो रहा है टाइम सुबह के 6:30। तो सबसे पहले हम अपनी दिन की शुरुआत फिटनेस से करते हैं। तो चलिए जिम को चलते हैं। सो गाइस, मैं जिम में तो आ चुका हूँ। तो चलिए अब अपना वर्कआउट शुरू करते हैं। तो गाइस, मेरा जिम करना तो हो चुका है और अब टाइम हो रहा है 7:30। एक घंटा हमने कर लिया, अब एक घंटा शाम में जिम करेंगे। तो चलिए अब अपने घर चलते हैं। तो गाइस, आज मेरा प्लान है कल साइकिल पर बाहर जाने का। अगर बारिश आ गई तो हम नहीं जा पाएंगे, और अगर बारिश नहीं आई तो हम जरूर जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले नहाकर मंदिर चलते हैं। ओके, तो चलिए। तो गाइस, मैं नहाकर आ चुका हूँ। तो चलिए अब हम चलते हैं मंदिर को। इस मंदिर जाकर मैं वापस आ गया हूँ। और ये देखिए, आज वेदर तो काफी अच्छा है। बस भगवान करे आज बारिश ना आए, तो हम साइकिलिंग को जरूर जाएंगे। तो चलिए अब अपने घर चलते हैं। मैं घर पर आ गया हूँ। और चलिए अब टाइम हो रहा है 8:40। तो अब हम सौरभ जोशी भैया का ब्लॉग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। Hey guys, good morning. Welcome to my new vlog. सुबह के 6:30 बज रहे, 4 बजे में उठ गया था और सारा काम कंप्लीट वाले सर से देखते कैसे हमारी जर्नी रहती है। फर्स्ट टाइम जा रहे हैं लॉन्ग राइड पे। टिकट तो आई होगा, पसंद आया होगा, सब्सक्राइब कर देना, चैनल में सब्सक्राइब कर देना। चलते गाइस जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच। गाइस, ब्लॉग तो कंप्लीट हो गया है। तो चलिए अब हम थोड़ी देर पढ़ाई कर लेते हैं, फिर मैं आप लोगों से मिलता हूँ। गाइस, अभी मम्मी ने मेरे लिए बनाया है बहुत ही ताज़ा दूध से बना हुआ ये बनाना शेक। मेरा फास्ट चल रहा है ना, इसलिए मैं दिन में सिर्फ एक ही बार खा सकता हूँ। बाकी के पूरे दिन में अगर मुझे भूख लगी तो मैं कोई फ्रूट खाऊंगा या जूस पी लूंगा। इसीलिए मम्मी ने मेरे लिए बनाना शेक बनाया है। तो चलिए इसे पीते हैं। मैंने बनाना शेक पूरा पी लिया है और सच्ची में बहुत मजे का बना था। तो चलिए अब हम पढ़ाई करते हैं, फिर मैं आप लोगों से बाद में मिलता हूँ। सो गाइस, पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। और आज हम पढ़ेंगे बिजनेस स्टडीज। इतने दिन से अकाउंट्स पढ़ पढ़ के मैं पक गया हूँ। तो चलिए आज हम दूसरा सब्जेक्ट पढ़ते हैं, बिजनेस स्टडीज। मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है। मैंने आज बिजनेस स्टडीज
और थोड़े बहुत मैथ्स के सम्स प्रैक्टिस की है और अब टाइम हो रहा है 12:30। तो मैंने लगातार 4 घंटे पढ़ाई की और टाइम कब चले गया मुझे मालूम ही नहीं पड़ा। तो चलिए अब हम थोड़ी देर रेस्ट ले लेते हैं, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। मैंने थोड़ी देर रेस्ट ले लिया है और अब टाइम हो रहा है 1:30। मैंने 1 आवर रेस्ट ले लिया। तो चलिए अब हम नेटफ्लिक्स पर मूवी देखते हैं, हॉब्स एंड शॉ। बहुत अच्छी है वो, चलिए उसे देखते हैं। तो गाइस मैंने मूवी पूरी कंप्लीट कर ली है और कमाल की मूवी थी। और अब टाइम हो रहा है 3:30। जैसा कि मैंने कहा था, मेरा प्लान था साइकिल पर बाहर जाने का, था नहीं मतलब है अभी भी, पर अभी घर पर कोई है नहीं। तो जैसे ही मेरे घर वाले वापस आते हैं हम साइकिल पर बाहर जाते हैं। ओके, जब तक थोड़ा बैठ जाते हैं, टाइम पास करते हैं। गाइस मैं थोड़ी देर बैठ गया था, थोड़ी देर बुक्स पढ़ ली मैंने। तो चलिए अब मेरे फैमिली मेम्बर्स आ गए हैं और टाइम हो रहा है 5:00। तो जल्द से जल्द हम वो जगह पर चलते हैं जो मैंने आपको कहा था कि हम साइकिल पर जाएंगे, वो बड़ी अच्छी जगह है। तो चलिए पहले जाते हैं उधर। गाइस ये है, देखिए ये है मेरी साइकिल। मैंने साइकिल पर कुछ कस्टमाइजेशन भी कराया था, ये फ़ोन रखने के लिए और ये भी फ़ोन रखने के लिए, तो व्लॉगिंग के लिए आसानी होगी। तो चलिए अब चलते हैं। तो चलिए गाइस चलते हैं। बल्कि जिधर हमें जाना है वो मेरे घर से लगभग 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। जाना 5 किलोमीटर, आना 5 किलोमीटर। आज तो अच्छी खासी फिटनेस हो जाएगी, 10 किलोमीटर साइकिलिंग और सुबह जिम। अगर मैंने रोज ऐसी तरह किया तो मैं 1 महीने में पतला हो जाऊंगा। ओ गाइस शिट, यहाँ पर तो रास्ता बंद है। ओह नो, अब क्या करे, कोई दूसरा रास्ता लेना पड़ेगा। चलिए देखते हैं या लेफ्ट से रास्ता है क्या, वरना वापस अपने हमें अपने घर जाना पड़ेगा। हाँ गाइस सही रास्ते पर निकला, अब सिर्फ 5 मिनट में हम अपने डेस्टिनेशन पर होंगे। अगर ऐसी ठंडी हवा रोज आ रही तो मजा ही आ जाएगा। ये देखिए गाइस सनसेट कितना अच्छा है आज। सो गाइस ये देखिए मैं यहाँ पर आ चुका हूँ और ये है वो जिधर हम आते थे साइकिलिंग करने। ये है वो ट्रैक, उधर लंबा दूर तक 3 किलोमीटर लंबा, और ये बीच में एक लेक है। इस जगह का नाम मलकम लेक है, MALKAM। ये रही हमारी साइकिल पार्क्ड। तो चलिए यहाँ का एक राउंड ले लेते हैं, थोड़ी वॉकिंग भी हो जाएगी। यहाँ की नदी में आपको बहुत सारे टाइप्स ऑफ एनिमल्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे स्नेक्स या फ्रॉग्स और बहुत सारे टाइप्स ऑफ बर्ड्स। यहाँ पर सुबह सुबह आना चाहिए, इधर बहुत क्राउड रहती है और लोग यहाँ पर बैडमिंटन खेलते हैं, जॉगिंग करते हैं और बहुत कुछ करते हैं। तो चलिए गाइस इस जगह को बाय बोलने का वक्त आ गया है और हम अपने घर चलते हैं। हमारी साइकिल भी यही पार्क्ड है और हम यहाँ से आए थे तो हमें वापस यहीं से जाना पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता है नहीं जिधर हम जा सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं हम अपने घर। गाइस ये देखिए क्या हो गया, मुझे घर जाना है और साइकिल के टायर में से हवा ही निकल गई। मेरा घर बस कुछ ही दूर है, तो अब मैं घर कैसे जाऊँगा, मुझे तो साइकिल चलाते हुए लेके जानी पड़ेगी। तो चलिए वो ही करना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। साइकिल के टायर में से हवा को भी अभी ही निकलना था, अब सबसे पहले घर जाकर हवा भरता हूँ।
फिर अगर कोई सामान लाने जाना पड़ा तो मुश्किल हो जाएगी। तो चलिए अब हम अपने घर चलते हैं, और मुझे बहुत भूख लग रही है, पहले डिनर कर लेते हैं क्योंकि मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं है ना, खाली बनाना शेक पिया है। तो चलिए अगर खाने के बाद शक्ति रही तो हम आकर हवा भर लेंगे। सो गाइस मैं घर पर आ चुका हूँ, तो चलिए अब देखते हैं मम्मी ने डिनर में क्या बनाया है। सो गाइस अब मम्मी ने डिनर में बनाए हैं खट्टे चावल, रोटी और शिमला मिर्च की सब्जी। चलिए खाते हैं। बाकी गाइस मेरा डिनर तो कंप्लीट करना हो चुका है, और अब मैं करता हूँ एडिटिंग और इस ब्लॉग को इधर ही एंड। होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं गाइस जल्दी ही नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। आज के लिए बस इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो का रिव्यू करेंगे हम लोग। चलिए गाइस बाय।